रमो वलुता रम मोषिता रम वाल्यम रमो वचया रम बुलोई सबसावरम सुतात्मान मणिकांदम साधमतम मंगलम वंदे संदर्शन संदर्शकम मंगलम भगवान की जो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाधिजेन्द्रम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम हेतु साधनम। संक्षिप्त दृष्टि वालों के लिए समय सारी की 12 गाथा तक पर्याप्त है, उसके बाद तो सही ही लगता है। जीव अजीवों की एकत्र होती जैसे ज्ञान मात्र भाव में अनंतियां उछलती है, मन अनंतों को भी उछलता है, अनंत प्रवक्ता भी उछलती है, अनंत बीज भी उछलता है। ऐसे ही मिथ्या दर्शन भी अकेला नहीं होता, जहां मिथ्या दर्शन होगा वहां मिथ्या ज्ञान भी होगा, मिथ्या चारित्र भी होगा। मिथ्या चारित्र होगा तो उसका दुष्फल भी होगा, कर्म का बंध भी होगा, कर्म का बंध होगा तो कर्म का संयोग भी उसी प्रकार का होगा, दुखी भी होगा, दुख का विस्तार भी होगा। परिग्रह का विस्तार तुम करोगे, दुख का विस्तार तुम्हारा स्वयं होगा। निमित्त निमित्त संबंध है, क्या संबंध है? कर्ता कर्म संबंध नहीं होता दो द्रव्यों में, लेकिन दो द्रव्यों में निमित्त निमित्त संबंध है। एक बात अभी आ गई कहते गए, कर्ता प्रमादी नहीं होता, कर्ता अहंकारी नहीं होता, अकर्ता प्रमादी नहीं होता। हमें क्या करना है? आपको गंभीरता से लेना चाहिए, जैसे तैयारी कर उसी प्रकार सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली बस सुना होना है, सुनने के लिए नहीं है, आचरण करने के लिए। चारितम खलगम हो तंत्र मूलोदम हो, चारित्र की बात करते हैं तब हम दर्शन को उड़ा दिए, दर्शन की बात करते चारित्र को उड़ा दिए। पुरानी की बात नहीं है, देखो भाई जहां भाव शुद्ध होंगे तो कर्म का बंध भी उसी प्रकार का होगा। अरे और तो और तुम्हें मालूम है, देख क्या शरीर के रंग भी उसी प्रकार के होंगे। तीर्थंकर बालक का जन्म होगा तो 16 ही सपने आएंगे, 17 नहीं आए, 15 नहीं आए, उसी प्रकार सपने भी उसी प्रकार के आएंगे, तुम्हें भी भाव उसी प्रकार का आएगा। नहीं आता है इसलिए नहीं आता, सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन होगा तो दर्शन स्वामी को भी भाव आया, उसी प्रकार का तुमको भाव आए। इसकी परंपरा कैसे चल, क्या करें हम? इस पावन जिन शासन के लिए हम क्या कर सकते, ये सोचोगे तुम? ये नहीं सोचोगे हमें क्या करना है, खाए रहे पिए ये तो बाजी खाना है। अभी हम सोच रहे थे अकर्ता प्रमादी नहीं होता, कर्ता अहंकारी नहीं होता। जैसा अज्ञानी कर्ता मानता वैसा करता नहीं, जैसा कर्ता मानता वैसा करता नहीं। निर्विविध कत्वात् न निश्चय न विवाद, कछु खबर नहीं। भाव कर्म होता है वहां द्रव्य कर्म होगा कि नहीं, नौकर्म होगा कि नहीं होगा, इसका नौकर्म ढूंढो। हमें अंदर में तो भक्ति है, तो कैसी भक्ति है? कुछ नहीं हुआ। अरे वात्सल्य की स्वामी ने जैसन स्वामी ने परिभाषा की कि शिष्यों का ग्रहण माने उनका केवल ग्रहण ही नहीं है,
लोक में जैसे बच्चे का पालन पोषण करते हैं ऐसे आचार शिष्यों का पालन पोषण कर दें। ये क्या खाएगा, ये क्या पिएगा, और शिष्य भी इतना विनम्र है, उसे कोई भी त्याग भी करना है, कोई भी उपवास करना है तो बिना गुरु की आज्ञा के नहीं करेगा। पूछना के नाम पर सूचना नहीं होगी। हम घी छोड़े नहीं छोड़ो, उन्हें मालूम है तुम्हें नहीं मालूम। एक दिन तो तुम छोड़ दोगे और फिर दूसरे दिन अकड़ा जाओगे। ग्यारह की बीमारी हुई तो पांच पांच दिन दर्शन करने नहीं जाओगे और त्यागी बन जाओगे। वैसे फिर तब तैयार। एक क्रिया ऊंची एक क्रिया नीचे चले, वहां मेन स्विच बंद करोगे तो ये सब बंद हो जाएगा, और मेन स्विच चालू करोगे तो सब चालू होंगे। दृष्टि बदलेगी तो सब परिणाम परिणति भी बदलेगी, विचार भी बदलेंगे, सपने भी बदलेंगे। सोच हमें कोई मतलब नहीं, दो मिनट हमें तो पांच मिनट नहीं हुए, तुम सोने रहे, गलती हो गई आज, एहसास है, पता है गलती है, कल गलती हो गई, और जीवन से गलती हो रही सो नहीं पता। तुम्हारी गलती का फल हम नहीं भोगेंगे, तुम्हारी गलती का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, तुम हमें निवृत्त करोगे, तुम्हें ये निवृत्त करेगा। अब तुम हमें निवृत्त नहीं करोगे, भार हमारे ऊपर ही डटे रहे हो, तो कल ये क्या करेगा, तुम्हें देगा थोड़ी करेगा। यहां निवृत्त नहीं किया जाता है, यहां जिम्मेदारी नहीं ली जाती। अरे बच्चे को गोद में जब खिलाओगे तब तो बड़ा होगा, और जब तुम ऐसा कहोगे तब वो बच्चा तुम्हें दर्शन का गोद में देगा। बता, और तुम जिम्मेदारी नहीं होगी, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी देगा, ये नहीं सुनाएगी, ये सुनाई नहीं दे रहा। अरे आपका काम तो ये है, ये सब प्रभावना के काम हम करेंगे, तुम तो निश्चिंत होकर के समाधि करो। ये काम नहीं है कि तुम क्या करें, बता दियो ली। आज एक ये बात एक दफे में सुन ली, और बाद बाकी बात तो सुनी नहीं, ये ठीक नहीं। करता ध्यान रखना अहंकारी नहीं होता, अकर्ता प्रमादी नहीं होता। अकर्ता कहकर के टालो मत, अकर्ता कहकर के पूरा प्रकर्ता बनता है, धन तीज का कर्ता बनता है अकर्ता ही। बात समझदार की हम कर रहे थे, संक्षेप बुद्धि वाली के लिए इतना बहुत है। जीव अलग है, पुत्र अलग है, इसका मतलब अलग है तो कर्ता का संबंध भी नहीं है, दो भोक्ता को भी संबंध नहीं, स्वस्वामी संबंध नहीं, आधार आदि संबंध नहीं। ये तो पढ़ लिया, लेकिन ये भी पढ़ो, आधार आदि संबंध मानते हो तो छोड़ देना, उससे क्या मतलब। हमारा व्यक्तिगत जीवन क्या चल रहा है, व्यवहारिक जीवन क्या चल रहा है, उससे हमें क्या मतलब। मानेंगे यही हम करता है, और कहते रहेंगे हम करता, ये छल है तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारी छल है। और मान रहे हो कि बस हम धर्मात्मा हैं, अरे केवल आत्मा अनुभव करो, धर्मात्मा वो होता जो अपने को आत्मा अनुभव करता है। जो अपने को आत्मा अनुभव नहीं करता धर्मात्मा कैसे हो सकता है, धर्म प्रकट कहां से आएगा, धर्मी के आते से धर्म होगा कि किसी और के आते से धर्म होगा। मैं धर्मात्मा हूं ये अहंकार है, और ये अहंकार पतन का कारण है तुम्हारा।
तुम जैसे उन्नति मान रहे हो वो पतन है। जैसे देश की नेता जैसे देश की उन्नति मान रहे, प्रगति मान रहे हैं, विकास मान रहे, विनाश है। कमाई खोटी लग रही कि नहीं लग रही? चारित्रिक पक्ष देशवासियों का कितना कमजोर है, समर्पण कितना कमजोर है। समर्पण माने जानते हो? कुछ खबर नहीं, तुम्हारी किताब में ही लिखी, लेकिन हमारी थोड़ी समझ है। समर्पण माने स्वार्थ, या समर्पण माने जिम्मेदारी। ये नहीं कह सकते बिजली इंतजाज, बिजली इंति जनरेटर था, तुम तो थे, और तो और वो लेट गया मैं पानी रोकने के लिए। वो रुक ही नहीं रहो जी, कई बेस काम चलेगो। ये जिम्मेदारी होती है। लेट गया चुपचाप, कहां लेटा है वही होगा खेत में, पानी रोकने गया था। नियम लेना ही न मत जानो, नियम का पालन करना भी जानो। नियम बनाने से काम नहीं चलेगा, नियम के पालन करने से काम चलेगा। कोई रोगी आपसे ये कहे रास्ता चल दी कि हमारी पेट में दर्द है, तो आपने घरेलू दवाई बताई आपको, तुम्हारे घर आज मैं धरी छोड़ धरी ले लेना। उनने कहा तो हमारे यहां गोदाम भरी है, आज भरी गोदाम से काम कहीं चलेगा कि खाने से काम चले? गोदाम से क्या काम चलेगा? ऐसे छेवसम का गोदाम भरा तुम्हारा, क्या काम चलेगा? गाता है रटी, गाता है बोल दी, ऐसे काम हुआ हमें मालूम नहीं, गलती हो गई। गलती हो गई तो क्या करें? अब तुम चलो, नहीं कोई मत नहीं। इस तरह की लापरवाही, गैर जिम्मेदारी धर्म के क्षेत्र में तो अक्षम्य अपराध है। हमने आपको कहा था एक प्रतिष्ठाचार थे, एक दिन भी हम विधान में नहीं गए, और वे रोज आते रहे कमरे तक। आज कोई काम है कि नहीं? नहीं तो धन्य, ये कोई बात है? यही काम है हमारा काम है कि कोई भी कार्य करें आज्ञा से ही करें, बिना आज्ञा के नहीं करें। हम सोएंगे 8 बजे तक, जो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा? ये भी चुप रहेगा, तुम चुप रहेगा वो तो। इसका मतलब है हम धर्म की प्रभावना के नाम पर केवल अपनी प्रभावना करना चाह रहे, मनगढ़ंत कल्पना करना चाह रहे। आराधना ही प्रभावना है, जल ही जीवन है। जल जीवन नहीं है, पानी में रहने वाली मछली मरती है कि नहीं? लेकिन जल ही जीवन है, इसका मतलब क्या है? जल को लेकर के तुम पियोगे तो तुम्हारे प्राण सुरक्षित रहेंगे। जल के बिना एक दिन भी नहीं चल पाओ, कैसे चलोगे? उपचार का ही कथन किया, जल ही जीवन है। जल से जीवन नहीं था, जल ही जीवन, जल से जीवन नहीं। ऐसी आराधना से प्रभावना नहीं, आराधना ही प्रभावना है। आराधना का लक्ष्य होगा तो कभी कर्तृत्व नहीं आएगा, कर्तृत्व नहीं आएगा तो प्रभावना हो जाएगी अपने आप। माने अपनी पवित्रता देख करके जिसे की योग्यता होगी वह धर्म मार्ग में लग जाएगा। अब तुम्हारे में ही पवित्रता नहीं होगी तो तुम कैसे लगाओगे? एक दफे एक पंडित जी बोले, महाराज ये बता समाज के लोग धर्म मार्ग में कैसे लग गया, हमने तुम लग गया,
हम तो आते ही हैं, ये और रहें का ऐसी आने को न कह दी, आए बैठे उठे चले, ये चोर होते हैं, कोई लक्ष्य आने का कोई लक्ष्य है, ये बातें छेउसम के लिए हम कर रहे हैं कि हम आराधना के लिए कर रहे हैं। पहले ये सोचो अपने मन से, हमें मत बोलो, नहीं बोलना तो मत बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन खुद सोचो कि हम आराधना के लिए कर रहे हैं, छेउसम के लिए कर रहे हैं, हम अपनी व्यवस्था बनाने के लिए कर रहे हैं कि सबकी व्यवस्था बनाने के लिए कर रहे हैं। सबकी व्यवस्था में अपनी व्यवस्था है, प्रोचन साथी में बढ़िया बात कही, जो सबको नहीं जानता वो एक को भी नहीं जानता, और एक को नहीं जानता वो सबको नहीं जानता, मतलब एक का ज्ञान और सब का ज्ञान एक बस होगा, जिसे ये ज्ञान होगा आत्मा शरण है, उसको ये भी शरण होगा संसार में आत्मा के अतिरिक्त कोई शरण नहीं, और तुम कहोगे कोई शरण नहीं, संसार सार, अरे पागल संसार सार है तो सार क्या है, पहले ये सोच, संसार असार है परंतु रुक जा, परंतु माने कि हां आत्मा को छोड़कर, संसार में आत्मा नहीं है, आत्मा में संसार नहीं है, तुम्हें मालूम है सीता का स्वयंवर हो रहा था, सब लोग बैठे, जनक जी खड़े हो गए, ऐसा लगता है कि पृथ्वी वीरों से रहित हो गई, और ये लक्ष्मण को आ गया, हाँ और नहीं क्या कह रहे तुम, रकुल के पूरे राम के रहते हुए ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी वीरों से रहित, वीर वीन मई मैं जाने नहीं हो सकता, जहां राम नहीं है वहां कुछ हो सकता है, लेकिन राम है तो वीरों से रहित कहां, इसका मतलब राम वीर नहीं, ये धनुष क्या लगता है, ये अग्नि की ज्वालाएं शांत हो जाएंगी अपने आप, जिनके सानिध्य में अग्नि की ज्वाला शांत हो जाएंगी, कथा की ज्वाला शांत आएंगी, और कथा की ज्वाला शांत हो जाएंगी अनंतानंदी जी मिटे बिना, अपरत्या खाने के कहां से आएंगे, मिथ्या दर्शन सहित अनंतानंद ही रह सकता है, जब सम्यक दर्शन आया उसी समय में अनंतानंद का अभाव हो गया, और अनंतानंद का अभाव हुआ इसका मतलब है शेष कथाओं की ममता हुई, तो अनंतानंद का जो नैमित्तिक कार्य था वो भी अभाव हो गया। इनको क्रम से अगर अपन कहें तो सम्यक दृष्टि को शंका होती नहीं कि करता नहीं, होती नहीं, क्यों, वो भी मानता है सम्यक दृष्टि, संसार में सुख नहीं है, संसार में कोई सार नहीं, और जिनवाणी में ही कहा, अब काय को शंका हुई, जिनवाणी ये कहे गुरु ये कहे संसार में सुख है, और जिनवाणी में ये लिखा हो संसार में दुख है, तो कैसे मानो, तुम मानते हो सुख, हम कहें दुख, तब शंका होगी, तुम भी हम भी दुख ही कह रहे हैं, और तुम भी दुख ही मान रहे हो, अब शंका काय को, सम्यक दृष्टि को शंका नहीं होती, बहुत अधूरी बात है, अधूरी बात, अधूरा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तुम्हें मालूम है, चार चार नुक्से जान करके वैद्य नहीं बनाया था, हमने भी पढ़ लिया सीख लिए और निदान हमें आता नहीं तो क्या करेंगे हम, ये कहने से काम थोड़ी जाएगा, हमें आता नहीं, सीखने से काम चले, जिस व्यापार को कर रहे हैं
और इंस्पेक्टर आकर के दुकान के सामने खड़े हो जाए कि ये आप अपने नियम बन गया, इतना माल रखोगे, इतना गोदाम कहाँ है, खाते कहाँ है आपके, क्या हमें मालूम नहीं कब नियम बन गया, क्या हमें मालूम बचे भीतर जाओ। जिसका व्यापार करना उसका नियम भी आपको मालूम होना चाहिए। मोक्ष मार्ग ही आप बनना चाहते हो, मानते हो अपने को, तो मोक्ष मार्ग मालूम होना चाहिए। शरीर की क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, वेश कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, स्थान में मोक्ष नहीं है, शुद्धि मोक्ष रहे एक बंद के अभाव। इंद्र लोक धन को अजान रोग कहें मुक्त, सुधी मुक्त कहें एक बंद के अभाव। सम्यक दृष्टि को शंका नहीं होती, इतना कहने से काम थोड़ी चलेगा। सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होती, बनती है। भगवान जन्मते हैं कि बनते हैं? बनते हैं, तो सम्यक दृष्टि भी। और पंचम काल भरत क्षेत्र में तो आते ही नहीं, पैदा ही नहीं होगा सम्यक दृष्टि। यहां आकर के बन सकता है, ये बात है। इसका पूरा तात्पर्य अभी बनने का, पूरा चरस्ता के बाद गन्ना सुखियो। जो सिद्धांत पढ़ना है आपको पढ़, जब तक अपने जीवन से उसको जोड़ोगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। बरसों तक आपने सुना पड़ा लेकिन विचार नहीं किया तो उसका आचरण नहीं होगा। विचार करेंगे तब उसका आचरण हो सकेगा। लोग प्रश्न कर देते हैं, इतने दिन सुनते सुनते हो गए, करे विचार तो करा ही नहीं, विचार करते ही नहीं, और विचार करके अपना दूसरा यहां से आओ इस कमरे में दूसरा पढ़ने लगो तो क्या होगा, क्या होगा? कथा की ममता से छेवसम बढ़ जाएगा। और तुम उस ज्ञान को ज्ञान मान लोगे तो तुम्हारा अहंकार बढ़ जाएगा और कुछ नहीं हो। और क्या भी लोगे आप, पहले तो हम कछ नहीं जानते, आप कछ जानते हैं, ये अहंकार है कि नहीं? कल एक दर्शन किया, बिजली का तार एक किलोमीटर दूर हो चाहे एक मिलीमीटर दूर हो, एक ही बात, बल्ब तो नहीं जलेगा। जिसे सम्यक दर्शन करना है उसे जिन वचनों में शंका नहीं करना चाहिए, कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि हम दूसरे जीव को मार सकते हैं, बचा सकते हैं। मारने का भाव आएगा बचाने का अहंकार होगा, नहीं तो अहंकार से आपको बचाना है तो मैं बचा सकता नहीं, मैं मार भी सकता नहीं। कभी नहीं सोचे, कभी सोचना भी नहीं चाहिए हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। हम प्रवचन करते हैं, हाँ ये प्रवचन बहुत अच्छे हैं, हम प्रवचनकार हैं। अरे तुम ज्ञाता हो तो प्रवचन करता हो, ज्ञाता है, ऐसा ज्ञाता नहीं होता जिसकी निगाह पर की ओर हो। जो ज्ञाता अपने को अनुभवता है उसकी दृष्टि अपनी ओर होती है, उसका उपयोग अपनी ओर होता है, और जो अपनी ओर होता है जिसका उपयोग, वह शुद्धोपयोगी होता है, सम भाव का धारक होता है, उसे विषमता में भी क्षमता लेती है। प्रदर्शन या नाटक नहीं होता उसके जीवन में, बैठे हैं तो बैठे, तुमने देखा है एक युवा लड़का हो तुम आ जाओ अचानक कपड़े पहन लेंगे, अबूर हो आ जाने जैसे बैठे तैसे
ये अंतर काहे ने डाला, ये अंतर की वासना ने अंतर डाल दिया। मुनि होकर के क्या पहनोगे, काले कपड़े। अभी तो ये नीचे सर के का तो ऊपर करोगे और फिर कहां करोगे। मुनि मार्ग माने चीज में छिपाने लायक कुछ भी नहीं है। जिसकी छिपाने की कुछ भी भावना होती है, इतना भी छिपाना चाहता है, मुनि तो कभी हो नहीं पाए। हरियाल नहीं, हम तो शकल नहीं देखना चाहते, केवल ज्ञान नहीं करना चाहते। केवल ज्ञान में ये सब दिखेगा कि नहीं, और ये भी दिखेगा आपका बचपन कैसा था, आपका बुढ़ापा कैसा है, आपकी वर्तमान की पर्याय कैसी, युवा अवस्था कैसी। हम तुम्हारी शकल नहीं देख, तुम्हारी चाहने से होता क्या है। तुम शकल नहीं देखना चाहते तो दिखेगी। द्वेष बुद्धि करके क्या करोगे। कि हम तुम्हारी शिकल नहीं दिखन जाए। एक बहुत दृष्टांत दे दिया आपको कि लोग बाग बहुत कह रहे थे आंख फूटी पीट गई, लेकिन पीट मेलने के लिए आंख तो कोई नहीं फोड़ता। रोग का इलाज करेगा, आंख कोई नहीं फोड़ेगा। क्या पीर हो रही जो आंख खोल देगी, आंख ही नहीं होगी तो पीर कहां से होगी। ये कोई बात है, इसका मतलब है मोह मिटना अलग बात है। एक छोटा सा बच्चा भी ये कह रहा है क्रोध मान माया लोग सार कसाएं, वहां से शुरुआत हो गई। मोह को उसने छोड़ दिया, मिथ्यात को उसने छोड़ दिया। मिथ्यात पे रखे बिना क्रोध माया मान लोग कहां से छूट जाएंगे। ये हमारा शरीर है, बस शुरुआत हो गई संसार की। ये हमारी पर्याय नहीं, हम हैं, बस शुरुआत हो गई पर्याय संसार की। पर समझो दुख की शुरुआत हो गई, लेकिन इसको मोह नहीं मानेंगे। मोह कोई एक ऐसा चीज मान ली कि बस हमें मोह नहीं है। अरे मान लेना अलग बात, नहीं होना अलग बात। हम मिट्टी को सोना मान ले तो सोना हो जाएगी, तत्व को तत्व मान लेंगे तो तत्व हो जाएगा वो। स्वच्छंदता को धर्म मानेंगे तो धर्म हो जाएगा, नहीं हुआ। ये बात केवल समझने के लिए अपने लिए है। अगर कर्ता अकर्ता में से हम प्रमाद निकालते हों तो छोड़ देना चाहिए। जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हों छोड़ देना चाहिए। भ्रम में रखना चाहते हों छोड़ देना चाहिए। अकर्ता प्रमादी नहीं होता, नहीं होता बस नहीं होता। ये नियम है, हम नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हारे जीवन में प्रमाद है और अकर्ता की बातें करती हो तो तुम्हारी बातें मिथ्या व्यवहार नहीं। और अगर तुम कहते हो ये व्यवहार है तो व्यवहार के सब अंग होना चाहिए। सम्यक दृष्टि शंकाशील नहीं होता, माने जिसे सम्यक दर्शन चाहिए उसे शंका नहीं करना चाहिए। इन बच्चों के संसार में चार शरणों को छोड़कर दूसरा भी कोई शरण होगा, संसार में कहीं सुख होगा, ऐसा नहीं लिखा शास्त्रों में। दो गति में दुख है और दो गति में सुख है, चौगट दुख जी भरी है। स्वर्ग में भी सुख की कल्पना नहीं करना चाहिए, स्वर्ग माने अनुकूलता में भी सुख की कल्पना नहीं करना चाहिए।
इच्छा पूर्ति न होने में दुख की कल्पना करती हो, इच्छा पूर्ति नहीं हो जाए तो मन मलिन हो गया। इच्छा की पूर्ति में भी सुख की कल्पना नहीं करना चाहिए। इच्छा की पूर्ति में सुख की कल्पना करोगे तो इच्छा की न पूर्ति होने में दुख की कल्पना कैसे नहीं होगी? समय की दृष्टि को वांछा नहीं होती, टका थी जवान नाराजी, आगे पीछे कुछ नहीं देखा। समय की दृष्टि को सुख की वांछा नहीं होती, इंद्रिय सुख की वांछा नहीं होती। क्यों? इंद्रिय सुख उसे सुख जैसा लगता ही नहीं है। जिसमें जिसको सुखी मान्यता नहीं होती उसे उसकी वांछा नहीं होती। नियम की बात है, ये सोना पड़ा हो अभी उठा लो, 10 का नोट पड़ा हो अभी उठा लो, और पूरा पड़ा हो तो कौन उठाएगा? किसान कोई जिसे ये है ये कूड़ा खा के काम आएगा? काम आएगा ना? अहंकारियों को यह लगता है कि उपसर्ग बढ़िया चीज है, प्रसिद्धि होती होती तो प्रसिद्धि को बढ़िया मान रहा है, इसलिए उपसर्ग मानते हैं, बढ़िया मान रहा है। और नहीं तो भैया पाप के उदय से उपसर्ग हो, पुण्य के उदय के उपसर्ग को उपसर्ग नहीं माने, हम क्या करें? पुण्य की उदय की अनुकूलताएं भी उपसर्ग हैं, पाप के उदय की प्रतिकूलताएं ही उपसर्ग नहीं है। एक बात कही थी तुम्हें ध्यान हो तो, ध्यान तो रहता नहीं हमें मालूम है, जरूरत ही नहीं ध्यान देने की, पढ़ाई पढ़े करके पक्के हो गए, ये सुनना ही नहीं है। जिन वाणी के माध्यम से हमें अपने को पढ़ना है, बस लाइन रख ली, जिन वाणी के माध्यम से अपने को पढ़ना, स्वाध्याय और अध्ययन, बस ग्रोथ कर रहे अपना एक दूसरे को। तुमने बंधना नहीं करी, हमने कर ली, ऐसी बंधना को बंधना कह दी। कैसे लिखा होगा उस लेखक ने सबका चार में कि मिथ्या दृष्टि का नमस्कार वीरनाथ तक पहुंच नहीं है। क्यों? पता कर रहे चिट्ठी कोई भी हो आप पता कर रहे तो पहुंचे कैसे? मिथ्या दृष्टि का नमस्कार वीरनाथ तक पहुंचता नहीं। क्यों? मतलब ये मिथ्या दृष्टि को वीरनाथ को नमस्कार करने पर भी भाव विशुद्धि नहीं हुई। प्रवचन सार जी जैसे ग्रंथ में लिखा, निरपेक्ष त्याग के बिना भाव विशुद्धि होती ही नहीं। ये भावलिंग में ये भी लिखा, पर की अपेक्षा सी रहे थे, मूर्छा सी रहे थे, और ये भी अनुचित बात है कि भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग कार्यकारी हो जाए और द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग हो जाए, ये भी बात ठीक नहीं होता कहीं। तुम्हें इसी अवस्था में भावलिंग प्रकट हो जाए, मन तीन चौकड़ी का अभाव हो जाए और कपड़े बने रहे, ऐसा नहीं होता। तीन चौकड़ी का अभाव होगा वहां नग्नता होगी ही होगी। तुम भी नग्न होगे अगर चक्का चुका ले, और क्या कच तभी कहोगे जब तक जिन बच्चों में श्रद्धा नहीं, जिन बच्चों में श्रद्धा नहीं तो क्या कुछ नहीं कहोगे। जैन धर्म में और बातें तो अच्छी हैं, इनके मुनि नग्न रहते हैं अच्छी बात नहीं। अरे पागल, जिनको तुम अच्छा कहते हो उनका आधार तो नग्नता है। अरे लंगोटी राज्य का हज्य बातन में लगते तुम्हें, लंगोटी को धोना कौन पड़ेगा? एक से काम चलेगा फिर?
फिर रखाना कौन पड़ेगा? चूहा काट जाएगा तो क्या करोगे, फट जाएगी तो क्या करोगे? कछु खबर नहीं है। क्या लंगोटी की दुखभाल है, सम्यक दृष्टि को कांछा नहीं होती। अरे कांछा नहीं होती, मिथ्या दृष्टि जैसी कांछा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कांछा सर्वता नहीं होती। क्या बात, वहां से शुरुआत हो गई, क्या द्वार लगाना है। मिथ्या दृष्टि को इन्हीं सुखों की कांछा नहीं होती, मिथ्या दृष्टि को इन्हीं सुखों की कांछा होती, सम्यक दृष्टि को नहीं होती। अनंतानुबंधी जब नहीं है तो अयोग्य विषयों की वांछा कहां से आएगी? लोक निंद कार्य कहां से होंगे? और लोक निंद कार्य हो और कहे कि हमारी मजबूरी है। अरे भाई, ये मजबूरी है तो वेद ज्ञान जरूरी है, ये क्यों भूल जाते हैं? भेद ज्ञान के बिना क्या करोगे तुम? और करते अभी भी क्या करते हो? भेद ज्ञान के बिना मंदिर नहीं आ पावे। बस तीन रास्ता छोड़ी चौराए तब इस सत्य बाहर पाए। अगल बगल के मकान छोड़ी तब मंदिर में विचार घुस पाए। स्वाध्याय कहां हो रहा? यहां हो रहा। वहां छोड़ा तो यहां आ पाए। छोड़ छोड़ के आ पाए कि जोड़ जोड़ के आ पाए? अपनी जिंदगी जोड़ने में बर्बाद क्यों कर रहे हो? अपना उपयोग अपने में ही जोड़ने योग्य है और कहीं अन्यत अवकाश नहीं है जोड़ने का। और जुड़ेगा तो दर्द करेगा, परिज्ञ जुड़ेगा तो विकल्प करेगा, ये समझिए। कितनी ऊंची बात है, आचार्य आचार्य पद में लेकर के समाधि नहीं कर पाएंगे, आचार्य को साधु पद में आकर के तब समाधि कर पाएंगे। जब आचार्य आचार्य पद में लेकर के समाधि नहीं कर पाएंगे तो तुम क्या कहो पद में बने रहोगे? मात्रता का अध्यक्ष बने रहोगे? सोचना चाहिए, संभालो। कल भी तो समाप्त हुए। सोचना सीखो, सबको साथ लेना सीखो। खाली यही मत सीखो कि पंडित जी ऐसी व्यवस्था हमें मिले, पंडित जी ऐसी बंसी व्यवस्थित करो, अपनी परवाह मत करो, लेकिन साधन की उपेक्षा नहीं होनी। आठ अंक के आधार पर हम आपसे बात कर रहे थे, सम्यक दृष्टि को वांछा नहीं होती। इसका मतलब है जिसे सम्यक दर्शन होना है उसे वांछा नहीं करना चाहिए। बुद्धिपूर्वक माने वह विचार करना चाहिए जिससे वांछा टूटे हमारी। हमें इनका घर देख करके ये लगा ऐसे घर हम मन माने, हमें ये सोचना चाहिए तुरंत कि अपना अपना उदय अलग है, हमारी बनने से थोड़ी बनेगा। हमारा जितना उदय है उतना ही जो मिलेगी हमें। इन जैसा कैसे, इन जैसा घर बनाने के लिए भी इन जैसे उदय चाहिए, और इन जैसे उदय के लिए इन जैसे परिणाम चाहिए, और इन जैसे परिणाम होने के लिए इन जैसी दृष्टि चाहिए। ये घर हमारा नहीं है ये सोच होना चाहिए। तुम्हें सीटों को देखकर ही मन चल जाए, काय का विद्वान है ये? सूटकेस बहुत बढ़िया है, ये मकान बहुत बढ़िया है, ये कंबल बहुत बढ़िया है। अरे बढ़िया तो आत्मा है, तुमने देखा कर। मन चला रहे फालतू, परमात्म प्रकाश टीका में बहुत सुंदर बात लिखी, हे मुने अर्ध दर्द जैसा तेरा शरीर हो गया,
और तू इस भोजन की मिश्र भोजन की वांछा कर रहा है। यथा लब्ध चाहिए या यथा चाहिए, यथा लब्ध कश इच्छा जाके नहीं हुई। इसका अर्थ समझना चाहिए आपको, पूर्ण विचार जी को कुछ इच्छा नहीं होनी और सम्यक दृष्टि को अयोग्य इच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। बस अपने एक ही फॉर्मूला लगा दिया यहां की काम, कुछ इच्छा नहीं होती। भाई जी को घर में भी राग नहीं है, तो राग नहीं है तो ये बता दीक्षा करने के हो रहे। दोष नहीं होता तो प्रतिक्रमण काय का, लेकिन प्रतिक्रमण के लिए दोष लगाना ठीक नहीं है। धर्मार्थ होता है इसीलिए है, बीमार पड़ जा तो इलाज दवाई लिया, लेकिन दवाई मुफ्त में मिलती है इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीमार पड़े और दवाई लेने आ जा रहे हैं। कुपथ को छोड़े नहीं, और कुपथ नहीं छोड़ना मान रहे को विचार नहीं हो रहा, मन का जंगीता रखे। अरे ये सोचना चाहिए, ये संयोग अनित्य है, ये संयोग अनित्य है। एक पल खोना एक भव आ जाने के समान है। हमें क्या फर्क पड़ता है, हम अपने घर रहे आराम से, आराम कहती हो घर में आराम है राम के बिना। सम्यक दृष्टि को अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, तो अपना कार्य बिगड़ जाने का खेद भी तो बहुत हुआ। लेकिन गाड़ी बिगड़ जाएगी तो खेद होगा, काम बिगड़ जाएगा तो खेद थोड़ी है। हम आए नहीं पाए, बस एक चीज तो कहने, 3 साल कमाए थे तुमने भारतारी से, क्या कहा था सूर्यचंद स्वामी ने, तुमने 12 वर्ष काय में कमाए सोना मन नहीं, क्या सोने की घर पर कमी थी, छोड़ गए क्यों आज। ये साधका सोने की कला बनाने के लिए नहीं है, सोने को धूल समझने के लिए। सम्यक दृष्टि को विचिकित्सा नहीं होती, जिसे सम्यक दर्शन चाहिए उसे विचिकित्सा नहीं करना चाहिए। ये नहीं पढ़ोगे और जिसे तैसे करोगे, जिसे तैसे सर्वनाम है, उनकी संज्ञा हम आना चाहिए। मुझे सम्यक दर्शन करना है तो मुझे विचिकित्सा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा की बुद्ध है, तुम थोड़ी कर रहे हो इस काम को, कथा तुमसे जबरन करा रही है, क्रोध बेरा बना रहा है, मान तुम्हारा बेरा बना रहा है, क्रोध अंधा कर रहा है तुम्हें, तुम्हें दिखता भी नहीं है, तुम सुनते भी नहीं हो, और जब तक मन रहेगा तब तक सुनोगे भी नहीं, जब तक क्रोध होगा तो अंधे बने बन जाओगे, दिखेगा भी नहीं तुम्हें कुछ। जब क्रोध मान मन माया रोग की मनता होगी तब दया परिणाम व्यवहार का होगा, और जब भेद ज्ञान होगा तब परमार्थ दया होगा। कहाय का काम है वो तो होगा। अरे भूत तुम्हारे भीतर घुस जाए चाह, इनके भीतर घुस जाए चाह, भाई भीतर घुस जाए इससे क्या फर्क, भाई का मालक वो तो अमानुष्ठाएं होंगी। समझ गए, ये इसकी चेष्टा नहीं है। अरे आप जानते हो बुखार तुम्हें आज या इन्हें आज, गरीब गर्म तुम्हारा बुखार आएगा तो तुम्हें भी हो, इनका बुखार आएगा तो इनको भी गर्म होगा, नहीं
नहीं, अब ये बड़े आदमी दुनिया को नहीं गर्म हो, अंदर भीतर भीतर आकुलता क्यों रहती है? अहंकार रहता अंदर, आकुलता अहंकार आकुलता रूप है। और ये कहो हमें अहंकार नहीं, तुम्हें अहंकार नहीं, अहंकार का खर्च दिखती है, बहरे क्यों हो गए, सुन क्यों नहीं पाया, कान तो ठीक है, डॉक्टर से देखो तो कान की चेकअप करो ही नहीं, क्या ठीक है, और सुनाई देता नहीं, तुमने कहा कही हमसे, हमने सुनी नहीं, इसका मतलब, और तुम कहोगे अहंकार नहीं हमारा, तो अहंकार किसका नाम है, मोह किसका नाम है, जरा तुम भी विचार करके देख लेना। टोडरमल जी ने कहा संसार में दुख है जो तुम पर बीतते हैं कि नहीं, ये विचार कर लेना, ये तुम उपाय दुख को दूर करने की करते हो कि झूठी हैं कि सच्ची हैं, ऐसी करुणा की भाषा लिखी, कथा करंता फिरते अपनों करत काज, पर की झोपड़ जल रहे पर घर गिर राज, घर की झोपड़ जल रहे पर घर कर दिलाज, ऐसा कौन होगा जो दूसरों को कुछ और बताए अपने को कुछ और बताए, जो एक की शांति का उपाय है वही सबकी शांति का उपाय है, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि किसी की बातों में नहीं आता, अपने सिद्धांत से विचलित नहीं होता, चलायमान नहीं होता, जिसे सम्यक दर्शन करना है उसे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, और बातों में आएंगे तो आप अपने सिद्धांत से चलायमान हुए बिना रहोगे नहीं। सम्यक दृष्टि पराई निंदा प्रशंसा नहीं करता, क्यों कि उस प्रकार की उसे कथा ही नहीं, वो अपनी शक्ति समय कैसे बर्बाद करे पर की निंदा में, तत्व की चर्चा नहीं है उसी बात। उन सर्वार्थ सिद्धि के देवों को देखो 33 सागर तक जो तत्व की चर्चा ही करते हैं, लेकिन तुम देवों को जो चर्चा करते हैं उनके पास कोई काम नहीं, हमारे पास बहुत काम, ये सोचोगे। अरे जिसे सर्वार्थ सिद्धि का देव भी बनना है, माने भाव का अभाव करने की बात तो बहुत दूर है, एक भक्तारी भी बनना है, उसे तत्व की चर्चा के अलावा और कुछ बात करना ही नहीं चाहिए। निरंजन की कथियां सुनाओ मुझे, न कुछ और बतियां बताओ मुझे, जो भावे तुम्हें सो न भावे मुझे, न झगड़ा जगत का स्वाभ्य। अब तुम्हें समाधि करनी है और इसे उसे की बातन में लग गया, रोटी छोड़वे समाधि मुझे है, विकल्प छोड़ने से समाधि आती, अगर विकल्प नहीं छूटेंगे तो समाधि नहीं आते। अपना समय पराई निंदा अपनी प्रशंसा में लगोगे तो कैसे अपना तत्व में लगोगे? सेवा की सार्थकता उस बात में होती है कि तुम शरीर की सेवा करो और हम आत्मा की सेवा करें, परी परी आराम से दबा रहे, ये कोई सेवा नहीं है। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए बस नेक पांव दाब रहे, ये कोई सेवा नहीं है। ये कथा की ममता कह सकती है, लेकिन कब, जब उसमें कोई स्वार्थ अनुभव। भक्ति भी तब कहने में आएगी जब भक्ति में कामना नहीं होगी, अगर कामना होगी तो भक्ति नहीं होगी, उपासना नहीं होगी। वासना में उपासना नहीं और उपासना में वासना,
भीतर के अहंकार के किसी कोने में भी नहीं पड़ी हो मंशा, तब कहेंगे सम्यक दृष्टि को बाध्य होता है। अनेकांत लगाओगे पढ़ोगे कुछ, सम्यक दृष्टि को बाध्य ही होता है, सम्यक दृष्टि को ही बाध्य होता है। सम्यक दृष्टि भगवत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, सम्यक दृष्टि एवं साहस में दम लिखा ही नहीं अमृत स्वामी ने। सम्यक दृष्टि को ऐसा साहस होता है कि भयंकर वज्रपात जिसकी ध्वनि सुनकर इन्हें मात से विचलित हो जाए, भयभीत हो जाए, तो भी सम्यक दृष्टि अपने सिद्धांत से चलायमान नहीं होता। सम्यक दृष्टि अपने सिद्धांत से चलायमान नहीं होता, सम्यक चारित्र अपने संयम से चलायमान नहीं होता, नियम से चलायमान नहीं होता, नहीं होता। जिसे सम्यक दर्शन चाहिए उसे चलायमान नहीं होना चाहिए, और चलायमान नहीं होना उसे सम्यक विचार करना चाहिए। गर्मी बहुत है, अब चलो यहां से उठा देगी। माने जिसे तत्व सुनना है उसे गर्मी सर्दी की परवाह नहीं करना चाहिए, और गर्मी सर्दी का विचार आया तो वो उठा देगी, नहीं उठा देगी तो मन से तो उठ जाओ। सम्यक दृष्टि को प्रभावना होती है, प्रभावना की भावना नहीं हो तो का मतलब है तुम आए मेहमान हमारे घर और हम बोल रहे हैं कैसे लगे उसमें, 8 दिन बाद फिर कही तो फिर जवाब दे दो कैसे लगे वो। अरे दृष्टि के बिना समर्पण कैसे कर पाओगे, समर्पण माने होता है स्वार्थ का क्या, अजब परिभाषा है। हाँ अपने बारे में कितनी सोई, समर्पण माने स्वार्थ का क्या, जो भी कर रहे हैं हम अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए कर रहे, आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, ये समझ, इसका नाम है समर्पण। माने धर्म की प्रभावना के बदले में कुछ भी वांछा नहीं होना, चलो भाई स्वर्ग ही मिल जाए ना, जो मिले समझ ले, अब हम क्या करें, इंद्रादिक पद नहीं चाहूंगा, तुम्हें ही मिलेंगे और कौन को मिलेंगे, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, हम चाहते नहीं हैं तो तुम्हें ही मिलेंगे, क्या मिलेंगे तो फिर विषयों में ना लुआ, और विषयों में लुभाने नहीं लुभाना है तो रागा जी दो सरी, और रागा जी दो सरना है तो परमात्म निज पद, परमात्मा जैसा अपना पद है वो समझना चाहिए, बाद बाकी सब अपद है, इंद्र पद अपद है, एम इंद्र पद अपद है, उसे अपना पद मान कैसे पड़े। ऐसा जीव सम्यक दृष्टि जीव कहीं बाहर ही छोटे छोटे पदों के लिए दुश्मन की लड़ाई रहे हो या बना रहे हो, जिन पे टाइम है हम पे नहीं भैया, हम नहीं कर पा रहे, अब हमें निवृत्त करो, ये तुम समारो हम अपना आत्मा समारे। गुरुजनों के प्रति शिष्यों का ये भी उपद्रव है, उपकार है, परस्पर गुरु जी बना क्या योग्य शिष्य के निमित्त से सूक्ष्म तत्वों का उद्घाटन होता है, योग्य शिष्य पुत्र की तरह परंपरा चल रहा है आगे बढ़ाए, योग शिष्य निवृत्ति में सहायक होगा। अगर शिष्य योग एक होगा, नीति में तो ऐसी लिखी हम काफ है, ज्ञान का पड़ी हो पता नहीं,
गधे के 100 पुत हो तो भी भूजा रोते हुई जाती है, सिंह का 1 पुत हो तो भी चुपचाप होता आनंद है। लिखा कि नहीं संस्कृत में? एक दफे प्रवचन चला थे, एक विद्वान कह रहे थे देखो या तो औरत पुत हो नहीं तो धार्मिक पुत्र बनाओ, निश्चिंत करके बल पर हो योग शिष्य को जानकारी, योग जानकारी की दीक्षा ग्रहण करेंगे। अब तुम संभालो धर्म की परंपरा, हम अपनी आत्महत्या मारें, हमें कछु मतलब तुम्हें देखा तो ये तुम्हारी व्यवस्था है। अरे मती व्यवस्था कर लो, ये हमारी व्यवस्था, ये सोचो। और पर के बिना हमें करना है, सुनो कान हो तो सुन लो, हे कान वालो सुनो क्या लिखा है कुंकु स्वामी ने, हे कान वालो सुनो लिखा है दंसल पुनपुर में कुंद कुंद स्वामी ने, अगर कान हो तो सुनो, माने अनसुनी करोगे तो कान नहीं मिलेंगे, चार इंद्री हो जाओगे। इन बातों को सुन लो, क्या कहा क्या कही, हाँ क्या सुन क्या कह रहे, काय की बात कह रहे, नहीं ये तो हम क्या बता रहे थे, ये तो खैर पूछा ही तुमसे। अपना कार्य पर के बिना होता है, अपना कार्य अपने बिना नहीं हो। लड़के के माता नहीं हो विवाह हो सकता है, पिता नहीं हो विवाह हो सकता है, भाई नहीं हो विवाह हो सकता है, लेकिन लड़का ही राजी नहीं तो क्या करोगे तुम, सब मिटेगा। हजारों निमित्तों से न होते हुआ कार्य नहीं होगा, और होने योग्य कार्य बिना निमित्त के भी हुआ, और कार्य में निमित्त होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि कार्य में निमित्त नहीं हुआ। अब आप सोचो योग उपयोग निमित्त होता ही, जब कोई छात्रावास चलेगा तो उसके लिए किसी को विकल्प भी होगा कि नहीं, नहीं हमें क्या करना है, तुम जैसे ही लापरवाह होंगे और चल जाएगा। हम तो दशांत देते हैं, ताड़ पत्र के ग्रंथ होती पहले, ऐसे मोड़ो है ज्ञान, और 2000 वर्ष बाद मिल गए हमें ताड़ पत्र के ग्रंथ, और ये पन्ना वाले ग्रंथ जिनको चार दफे मोड़ दो तो, और ऐसे कर दो तो टूटेंगे तो नहीं, लेकिन मंदिरों में पूजन की पुस्तक भी रख देती हो तो पता नहीं पड़ता साल भर कहां गई। और दिया आज 10 पुस्तकें रख दो, एक साल बाद 10 और रखनी पड़ेंगे आप, और पन्ने भर जाएंगे, क्यों ऐसी बिना तुम्हारे पूजा में होती तो तुम्हें ये ग्रंथ कैसे मिलते, ऐसी लापरवाही तुम्हारी पूर्वजों में होती, ऐसी उपेक्षा अनादर भाव अवज्ञा भाव अगर जिनके साथ तुम पढ़ते हो उनमें होती तो तुम्हें साथ कहां से मिल जाते आए। लड़के की मां खड़ी थी और छोटा सा लड़का था, मां से अपने उठा लिया, लड़के की मां बोली ये ऐसा मत उठा, हमने की और हो जाओ का बात, तुम ये बातें करती हो और आ जाओ फट जाओ पंडित जी कसाय कर रहे हो, तुम्हें कसाय दिख रही है, तुम्हारा कुर्ता फट जाता पता पर, तुम्हारी बनियान फटी पहनो तो पता पड़े और पहननी पड़ेगी तुम्हें। कितने कपड़े ऐसे हैं जिनको फटे कपड़े नहीं मिल रहे,
कितने आदमी ऐसे और कितने जीव ऐसे जिनके पास कपड़े ही नहीं। ये सब कपड़ों का अभिमान करने का फल है, कपड़ों की विराधना करने का फल है, दया करने का फल नहीं है। आज नहीं तो कल परिणामों का धर्म समझना ही पड़ेगा। तुम सोच रहे हो भगवान की पूजा हम करें, दान कर दें, इससे कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कथा की मनता होगी तो पुण्य होगा, और अहंकार से तुम करोगे तो करो चमत् करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। अरे अहंकार का फल आएगा। करोड़ का दान और लाख का दान नहीं, दसवें हिस्से का दान और छठवें हिस्से का दान और चौथा हिस्से का दान, एक रोटी मिले उसमें से उतना निकाल दो, अन्याय से कमाओगे और फिर दानवीर बनोगे, कभी नहीं बन पाओगे। जो ज्ञाता होता है वही दाता होता है, ज्ञाता बिना दाता कैसे हो गए? आश्चर्य की बात नहीं है। पंचम काल में ज्यादातर जीव खोटी गति से आए हैं, खोटी गति में जाएंगे तो पंचम काल का दोष होगा नहीं, जाएंगे अपने परिणाम। ध्यान रखना त्यागवाद शासन में सर्वज्ञ शासन का और त्यागवाद शासन का दीक्षा से कथन होता है। एक बात कही आए तो सर बातों को समझना चाहिए, ने हाथ धो ले, हाथ धोने का मतलब है कछु कुल्ला कर ले, कुल्ला करने का मतलब नाश्ता कर ले, भाषा का बोल रहे, भाषा का बोल रहे, बाजों की बात आपको समझनी पड़ेगी। आपकी थाली लगाई और आपसे कह दिया ये दूध है, ये पानी, ये दाल है, ये सब्जी है, रोटी, पानी नहीं गई तो पानी देना कि नहीं देना? ये कॉमन सेंस की बात है आपको, लेकिन कॉमन सेंस माने तुमने ये सोच लिया, कॉमन सेंस माने कॉमन सेंस, अरे दिमाग है तो सोचना सीखो, असंगी में होगे तो क्या सोचोगे? सोचो इतनी संपदा ले तो जा सकोगे नहीं, ले आने की व्यवस्था नहीं, भोगने की भोग सकते नहीं, अब क्या करोगे? हम आपसे बार बार कहते हैं ज्यादा खाओगे तो पेट खराब होगा। जिनका पेट खराब रहता है एक आध दिन को लंघन कर दे, रसी कंडव देखो पेट ठीक होता कि नहीं होता, लेकिन खाने हमें और पेट खराब है। हम रोज जाते हैं, हम दो चार जाते हैं, जाते मतलब नहीं चले। ये वैद्य डॉक्टर लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लेना, जितने रोगों की जड़ है वो मंदाग्नि में है। प्राकृतिक के सिद्धांत देखो तो जितने रोग हैं उतनी मल संख्या है, मल नहीं होगा तो रोग भी नहीं होगी। सही बात है, जो बार में गुणस्थान वाली विद्या की हो जाती है उनके मल नहीं है तो उनको रोग भी नहीं होगी। इसलिए समस्त रोगों के मेटने का उपाय कल्याण कार्यक्रम में लिखा आयुर्वेद का शास्त्र है कि भैया कुपथ सेवन से होते तो ठीक है, लेकिन कुपथ सेवन को विचारों से कर्म के पाप के उदय कहां से आ गए? पाप के परिणाम नहीं है तो पाप के उदय आए गए कहां से? हम कहें ही क्या करें, इनको तो पुण्य को पुण्य उदय है, तुम आज कर ले पुण्य, तुम्हारे कल उदय में आ जाएगा, कल का आ जाया तो आज का कल आएगा कि नहीं आएगा? अभी क्या करने का मिले वो, इनको तो पुण्य को उदय है, बात कहा हुए वो
आपको कहते हुए बहुत लोग मिलेंगे। जैन धर्म तो बड़े आदमियों का है, हम कहते जैन ही बड़े आदमी बनते अपने सदाचार के कारण, सद विचारों के कारण। लेकिन सदाचार और सद विचार नहीं होंगे तो बड़े आदमी तुम बने ही रहोगे। कल तुम शराब पीने लगो ब्राह्मण ही बने रहो, क्षत्रिय बने रहो, और देखते रहो सामने निर्वल को कोई सता रहा है, निर्वल को कोई सता रहा है, देखते रहो कि क्षति नहीं बनो। रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण से, बजगण संकट में है, सिंहोदर की सेना पड़ी है, जाओ उसके बस में करोगे। अपना क्षत्रिय तो किस काम का, अपना भाषण किस काम का, कोई मतलब नहीं। तब लक्ष्मण ने कहा हम अकेले का कर देंगे, सिंहोदर की इतनी बड़ी सेना है, ये नहीं। जिसको अंदर में राम बसे हुए हैं, जिसके अंदर में भगवान बसे हुए हैं, वो अकेला निश्चय से अकेला है, लेकिन विवाह से अकेला नहीं है। समझ गए? अगर अकेला है तो अकेले में अनंत गुण है कि नहीं, अनंतानंद पर्याय है कि नहीं, और अनंत अंत परमेश्वरों की भक्ति विश्वास है कि नहीं। जब भक्ति और विश्वास है, भावना है कि नहीं, और भावना जब है तो क्या नहीं। अरे आज की भाषा में कहो बेटा तो एटीएम लेकर चल दी कछु मत रह बेटा, एटीएम है तो का नहीं, जो चीज चाहिए तो मुझे खरीद लें कर लेंगे। लेकिन ये एटीएम नहीं समझे, वो एटीएम तो फेल हो जाएगा, जंगल में क्या काम आएगा एटीएम। जहां एटीएम का कॉर्नर होगा वहीं काम आएगा, लेकिन ये एटीएम हर जगह काम आएगा। अगर आपका पुण्य होगा कुछ नहीं लेके जाओगे, और स्वर्ग में कैसे चलेगा, स्वर्ग की छैया कैसे मिलेगी, बड़े घर में पैदा कैसे होगा, कछु नहीं लेके गए। अरे लेके नहीं गए, बहुत पुण्य लेके गए, ये क्यों मत सोचो। हम अकेले का कथगत अकेला चना क्या बाढ़ बोल सकता है, अरे अकेला जी कर बोल सकता है, चना छोड़ेंगे तुम बाढ़ छोड़नी छोड़ना है, तुम जीव हो तुम्हें कर्म फोड़ना है, अब वो अकेला जीव कर्म फोड़ता है, बोलो नहीं फोड़ता। जो अपने एकत्व की अनुभूति करता है वही कर्म फोड़ता है, जो एकत्व में रमता है वही कर्म को नाश करता है। दो चार बातें रट रही उल्टी की और बन गए चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई, बंदारी बन गए, क्या क्या नुकसान कर ले तो वैद्य बन गए। अरे भाई वैद्य बने हो अपने को बचाने के, मारने के लिए नहीं। एक डॉक्टर से कहा ये तुम क्या बोलते आजकल, वो गर्भपात बोलते क्या बोलते, ओवरसन बोलते क्या बोलते। बोले डॉक्टर बोला हम डॉक्टर बने बचाने के लिए, मारने के लिए नहीं बने, ये काम हम नहीं कर सकते, आमदनी हो या नहीं हो पैसा देंगे। अरे तुम बड़े पैसा वाले हो, पैसा वाले तो खोटे विचार छोड़ो, हम वैद्य बने हैं बचाने के लिए, मारने के लिए नहीं। ऐसे ही समझ लो अज्ञानी गुरु मारता है, माने अज्ञान जब तक रहे तब तक गुरु मत बनना। जब तक आत्मानुभव न हो जाए और जिनवाणी का अभ्यास न हो जाए तब तक गुरु मत बनना, गुरु तो मत करना, कभी सिखाने मत लगना,
पहले ठीक तो ले, लेकिन लापरवाही मत लगा लो, पहले ठीक तो लें। जिंदगी के बच्ची कहते ही हो, हम कह रहे क्रेता और विक्रेता एक साथ बनोगे ही नहीं, तुम्हें थोक की दुकान खोलनी तो पहले माल लाना पड़ेगा नहीं? क्रेता बिना विक्रेता कैसे बनोगे? और आज खरीदेंगे खरीदेंगे, बेचेंगे नहीं तो क्या करोगे? खरीदेंगे बेचेंगे। अरे भाई, अपने पिताजी नहीं हो तो तुम्हें छोटे बच्चे को भी दुकान चलानी पड़ेगी, उसके खेलने के देने खेलेगा। लेकिन जब तुम खेल रहे होगे, इतने बड़े हो गए, वो बच्चा दुकान पर बैठा हो, अब क्या करें? पिताजी नहीं है तो दुकान चलानी, घर की गुजर तो करनी, ऐसे क्यों नहीं सोचते? आचार्य आज नहीं है अपने पास, साधु नहीं है, विद्वान नहीं है, तो अपन बांचो, अपन करो। लेकिन अहंकार से नहीं, बहुत विनय से, कर्तव्य का पालन करना सीखो। कर्तव्य पालन के बिना जीवन में कभी भी प्रसन्नता नहीं आएगी आपको। लेकिन तुम्हें लगता ही नहीं ये झूठी है प्रसन्नता। तुम्हारा तो मन चलता है, ऐसे ही हम माचे, ऐसे ही व्यवस्था हमारे हो, ये खोटी मान रहा है। तुम ये सोचो ऐसी दशी हमारी हो, मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो तुम्हारी ऐसी दशी जैसी तुम धारी है। दशी होगी तो दशा होगी, दशी नहीं होगी तो दशा नहीं होगी। पंडित जी ने कैसे लिखा होगा? कोई नहीं सुने तो नहीं सुने, खेल खेलने क्यों होता है? विचारना भाई, हे जिन वाणी भारती तो जपूं दिन में, जो तेरी चरना गए तो पा।